कला के जो विद्यार्थी हैं और उत्सुक हैं उन्हें मतलब अनीश जी की बातों से यही पता लगेगा कि कहानी ही यू नो द स्टोरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे आप प्ले देख रहे हैं, चाहे आप कोई फिल्म पे काम कर रहे हैं, चाहे अपने कैरेक्टर पे काम कर रहे हैं, बल्कि मुझे तो लगता है कि बायोपिक बनाने के लिए इंस्पायरिंग इंडियंस पढ़ लेनी चाहिए। शायद 12 वॉल्यूम जो लिखे हुए हैं उनमें से जो भी सब्जेक्ट पसंद आए उसके ऊपर कोई प्ले डायरेक्ट किया जा सकता होगा, या कोई मेरे जैसे को कीड़ा उड़ जाए फिर कोई फिल्म बनाने निकल जाए तो वो देख बहुत मिल सकता है। अनीश जी से मैं ये पूछना चाहूँगा सरेआम, अनीश जी आप फिल्में देखने में दिलचस्पी रखते हैं या थिएटर? अब ये पक्ष वाली बात है, आपने किसकी नहीं ये बताओ। मैं फिल्में देखता हूँ, थिएटर मेरे को समझ नहीं आता। आई टेल यू वेरी इंटरेस्टिंग, मैं एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करता हूँ बॉम्बे में। हमारी एक पर्सन वर्किंग थे कॉल्ड अभान देवंश, अभान यूज बी गुजराती थिएटर, बहुत इन्वॉल्व थे। तो मेरे मगर पड़ी देते ही मेरा प्ले मेरे, तो इधर मैं प्ले देखने चला गया। वो प्ले भी मेरे को याद है, तारपुर वाला विच ऑडिटोरियम बहुत तेजपाल ऑडिटोरियम में प्ले था। तो बैठ गया मैं देखने, तो पीछे एक बॉडी पड़ी थी ऐसे, आगे ये पता नहीं बातें कर रहे थे। तो जब मेरे को लगा प्ले इंटरेस्टिंग हो गया तो प्ले खत्म हो गया। जवानी जाने वाला बूढ़ मूवी कपड़े देखा है, इसका सामने बोला पड़ा, बहुत अच्छा था। पर ये जो कल पिक्चर देखी ना, इट वॉज वेरी डिफरेंट स्टोरी टोटली। शुरू में बड़ी बोरिंग है, लेकिन आफ्टर द डबल रीडिंग पिक्स अप इट्स अबाउट अ गाय हु अ गर्ल मीट्स हिम इन अ पब। तो ये घर ले जाता आपने, उसका ऑब्जेक्टिव तो कुछ और था, लेकिन शी टर्न्स अराउंड एंड टर्न्स आउट टू बी अ डॉटर। Oh, that entire story is fantastic, and how she's pregnant, and how this guy is a guy, he doesn't want any strings attached, and then how he changes as a person. That's a fantastic movie. Must go and see this movie. Very good. और मेरी अनीश जी से ऑन कैमरा दरखास्त है कि TFT के प्लेस आके देखें, आपका थिएटर देखने का नजरिया बदल जाएगा। ठीक बात है सुदेश जी, है ना? प्लेज आर नॉट बोरिंग और गारंटीड एक एक प्ले मेरा देखा हुआ है और आपको जरूर मजा आएगा। हाँ बोलो अनीश जी, माइक। एनी आई हैव सीन अ कपल ऑफ प्लेज फ्रॉम हियर, आई रिमेंबर दैट बंगाली द थिंग, बट दे आर इंप्रेस्ड विद दैट द बंगाली, इन फैक्ट आई टू द अबाउट डिनर बिकॉज़ ऑफ दैट। प्रवीर गुहा दैट वाज फैंटास्टिक। मां एट द एंड दे हैड दैट थिंग वेयर दे मेड द वेमेंट वॉक, दैट वाज फैंटास्टिक। पर मोस्ट प्लेज आई डोंट अंडरस्टैंड, पंजाबी तो आगे करिए।